हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डी आर लाइक क्रिएटिविटी। पहले तो आप सभी लोगों को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं कि आज 5 जून है, जो कि पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आजकल हमारा पर्यावरण जो है बहुत खतरे में है। ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, गर्मी ऑक्सीजन से गर्मी काफ़ी बढ़ चुकी है। और तो हमें एक छोटी सी कोशिश करनी चाहिए अपने पर्यावरण को स्वस्थ और हेल्दी रखने के लिए। चलिए, इसी वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताना चाहती हूँ हम किस तरह से अपना योगदान दे सकते हैं। इस समय मेरे पास प्लांट्स लगाने के लिए प्लांटर नहीं है, क्योंकि सब जगह लॉकडाउन चल रहा है, घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो मेरे पास जो सामान घर में है, बेकार सामान पड़ा हुआ है, उसी से मैंने कुछ पॉट बनाए हुए हैं। ये किचन के खाली डिब्बे थे जो बेकार हो चुके थे, किसी का ढक्कन टूट गया है, कोई बेकार हो चुका है, नीचे से ये कट चुका है, और ये मैंने निकाल के रख दिए थे, फेंके नहीं। और अब मैं इन्हें एक प्लांटर के रूप में बनाऊंगी। ये डिब्बा मैंने काट लिया है, चाकू आप गर्म कर लीजिए और कैंची की मदद से इन्हें काट लीजिए। और इसमें ये मेरे पास पेंट रखा हुआ था, थोड़ी सी कोको कलर का, इस पर मैंने पेंट कर लिया है, ऑयल पेंट है ये। ये देखिए, ज़्यादा अच्छा नहीं था, जो था मैंने सो उसी से ही कर डाला। अब जब तक इसको सूखने के लिए रख देते हैं। ये मैंने ऊन ले लिया है, ऊन के टसर बना लेने हैं। ये कुछ भी आप ले लीजिए, मैंने अपना पुराना छोटा सा मोबाइल फ़ोन ले लिया, और इससे मैंने ये इस तरह से 18-20 राउंड घुमा लिया। अब जो ये मैंने ऊन ले लिया है फोर लेयर में, और इसको इस तरह से इसमें अंदर डाल के और नीचे यहाँ पर इस तरह से गांठ लगा देनी है, टाइट करके इसको बांध लेंगे। और बांध लेने के बाद अब इसको नीचे से कट कर लेंगे अच्छे से बराबर। ऐसी हमें 6-7 ट्रसर बना लेनी है। और इसी तरह से मैं बाकी के भी बना लूँगी। ये 4 मेरे बन चुके हैं। और अब ये रस्सी मैं बनाने के लिए मैंने ये पुरानी टी शर्ट वगैरह ले ली, जो काफ़ी पुरानी थी, फट चुकी हैं। ये हौजरी कॉटन में है, हौजरी कॉटन का ही हो, इसका धागा निकलता नहीं है। और इसे इस तरह से छोटे छोटे पीस में कट कर लूँगी। और कट करने के बाद इस तरह से ये मैंने रस्सी बना ली है। जो भी कपड़े हैं पुराने, जिसको कोई भी काम में नहीं ले सकते हैं, किसी को दे भी नहीं सकते, तो उसकी इस तरह से रस्सी बना ली। ये बड़ा वाला डिब्बा था, और उसमें मैं हॉट ग्लू की मदद से इसको इस तरह से चिपका दूंगी। और आप चाहे तो नॉर्मल ग्लू से भी चिपका सकते हैं, उसे सूखने में थोड़ी टाइम लगेगा। अब ये मैंने इतना चिपका लिया है। अब ये पेचकस गरम करके स्क्रू ड्राइवर, इसको मैं छोटे छोटे इसमें होल कर लूँगी। होल करने से ये होगा कि जो ऊपर का हमारा पोर्शन है वो निकलेगा नहीं, कभी भी ख़राब नहीं होगा, और इसमें डिजाइन भी एक नया लुक देगा, जिससे ये काफ़ी सुंदर लगेगा। इस तरह से मैंने उसी ऊन के जो टसर बनाए हुए थे, और ये टसर उसी ऊन से इसको मजबूती भी दे दी और एक नया डिजाइन भी दे दिया है। ये ऊपर की जो लेयर है रस्सी की, वो मैंने इसमें टाइट करके सिल दी। और अब इस तरह से इसको, ये टसर वाला जो पोर्शन है, इसको इस तरह से इसमें बांध दूंगी, और इसको भी अच्छे से मजबूती से ऊन से मैं टाँके दे दूंगी, और ताकि ये खुले ना और हमारा पॉट ख़राब ना हो, जो कि हम बहुत मेहनत से बनाते हैं। मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ बहुत मजबूती से बनाती हूँ, ख़राब ना हो, इसलिए मैंने ये धागे से सुई की मदद से इसे और मजबूत कर दिया है। ये देखिए, और डिजाइन भी एक नया लुक आ रहा है, इसमें डिजाइन भी बन गया है।
और ये मैंने पेंट ले लिया है, ये उसमें वॉल पेंट में जो मिलाया जाता है, ये पेंट है एंटेंट का, जो वॉल पेंट आती है, पूरा बकेट आता है वॉल पेंट का, उसमें मिला के अलग अलग कलर इसको दिया जाता है कलर बनाने के लिए, ये उसमें मिलाया जाता है वॉल पेंट में, वही पेंट है। ये बचा हुआ था, पेंट हुआ था तो मैंने रख दिया। अब मैं इसको बॉल में थोड़ी सी ले लूँगी और इसमें थोड़ी सी नॉर्मल ग्लू डाल दूँगी ताकि वो चिपक जाए अच्छे से और ये घुले ना, पानी से भी ख़राब ना हो, इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी ग्लू मिला लिया है। और ये एक ईयरबड ले लिया है, इसको अच्छे से इसमें घोल लूँगी। ये अब अच्छे से देखिए मिक्स हो चुका है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। और अब मैं इसमें छोटे छोटे, ये सूख गया है पेंट, डॉट डॉट बना दूँगी पूरे पॉट में। और प्लास्टिक के पॉट हमारे काफ़ी समय तक चलते हैं, इनको टूटने का भी डर नहीं रहता है। आप कोई और भी डिज़ाइन बना सकते हैं, मैं डॉट डॉट बना रही हूँ, आप मनचाहा अपना डिज़ाइन बना सकते हैं इसमें। और ऊपर से मैंने इस तरह से बना दिया है। और घर पर ही हमें ज़रूर इनरोलमेंट डे पे पौधे ज़रूर लगाना चाहिए, एक पौधा। और हमारी ये छोटी सी कोशिश रहती है कि हम स्वस्थ रहें, हेल्थी रहें। जब हमारा पर्यावरण स्वस्थ होगा तभी हम भी स्वस्थ रह पाएंगे। इस समय ऑक्सीजन की काफ़ी कमी चल रही है, न्यूज़ चैनलों में हमने काफ़ी देखा, इसमें जब कोरोना चल रहा था तो कितनी ऑक्सीजन की मारामारी हो रही थी। प्लांट हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो हमें हमारे घर में, छत में और बालकनी में छोटे प्लांट्स ज़रूर लगाने चाहिए। और ये मैंने पेंसिल से इस तरह डॉट डॉट बना दिए हैं, वाइट पेंसिल है, ये हर चीज़ में चल जाती है, ग्लास में है, प्लास्टिक है, कपड़ा है, हर चीज़ में, ये पानी से भी ख़राब नहीं होती है। ये मेरा पॉट तैयार हो गया है, अब मैं इसमें मिट्टी भर दूँगी। मिट्टी भरने के बाद ये मैंने छोटा सा पौधा ले लिया है, इसकी कटिंग कर दी, अब ये कटिंग वाले भी मैं इसी में लगा दूँगी ताकि ये और घना दिखे। और इसमें और मिट्टी भर दूँगी। और ये वाला पॉट जो है, ये मैंने इसमें होल नहीं करा है, इसमें अंदर से मैं दूसरा पॉट रख दूँगी, ये ख़राब ना हो, इसको आउटडोर इंडोर कहीं भी रख सकते हैं, मैं इसको इंडोर रखूँगी। और ये प्लास्टिक पन्नी में मैंने लगा दिया था और इसको इसके अंदर रख दूँगी, ये काफ़ी सुंदर लग रहा है देखिए। और हम इसको एक स्टोरेज के रूप में भी ले सकते हैं, और ऊपर से आप कार्डबोर्ड का काट के ढक्कन भी इसका बना सकते हैं। इसको दो तीन चीज़ के लिए आप काम में ले सकते हैं। ये देखिए, जो चीज़ मेरे पास अवेलेबल थी, बेकार सामान से ही मैंने ये पॉट बनाए हैं। तो आप भी अपना छोटा सा योगदान दे सकती हैं पर्यावरण को स्वस्थ और हेल्दी रखने में, और जब पर्यावरण स्वस्थ रहेगा तभी हम भी स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। तो हमें अपने घर में ऑक्सीजन देने वाले पौधे ज़रूर लगाने चाहिए, आज तो ज़रूर लगाना चाहिए एक छोटा सा पौधा। हम सभी को कोशिश करनी चाहिए एक छोटा सा पौधा अपने घर में लगाए। मेरे बालकनी का बाहर का नज़ारा है, इसमें ग्लोई भी है मेरी, और इसमें बहुत सारे पौधे हैं, अमरूद के पेड़ भी हैं इसमें बहुत सारे हैं। और ये देखिए बहुत सुंदर लुक आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।